नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्रूट शेक बनाना सीखेंगे। कौन कौन से फ्रूट से कौन कौन से शेक बना सकते हैं। ठंड दूर भाग गई है और गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और ज़रा सा धूप में निकल जाओ दोपहर के समय तो गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है। आते ही लगता है एसी ऑन करो और ठंडा ठंडा शरबत पियो। चलिए चलते हैं ऐसे शरबत पीने। हमने कोई एसेंस डालकर शरबत नहीं बनाया है, ना ही शेक और ना ही हमने आइसक्रीम यूज़ की है। ओनली हमने घर के सामान से ही ये शेक बनाया है। सबसे पहले हम बनाना शेक बनाएंगे। एक बनाना हमने इसमें छिलका हटाकर काट लिया है। मिक्सी जार में हम ये शेक बना रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच शुगर। शुगर सिंपल जो होती है, आपको ये नहीं है पिसा हुआ शुगर चाहिए, मिक्सी में तो पिस ही जाएगा। और इसमें हम इलायची भी डाल सकते हैं, आप कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इसकी खुशबू भी वाजिब रहती है, अलग से आपको कोई एसेंस भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इलायची डालेंगे तो बस है। ये बहुत ही हेल्दी शेक बनने वाला है। इसके बाद आप इसमें आइसक्रीम डालना चाहें तो आइसक्रीम का यूज भी कर सकते हैं और क्रीम का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ओनली मिल्क जो फुल क्रीम रहता है वो भी चलेगा। इतना टेस्टी लगने वाला ये मिल्क शेक है कि आप पीकर खुश हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और शुगर भी इससे ज़्यादा नहीं डालें, 2 ग्लास इसमें आराम से बन जाएगा। अब ये देख रहे हैं, आपने शुगर तो डाल ही दी है, बस मिक्सी जार में चला लीजिए, क्योंकि मिक्सी जो है पानी नहीं डालें शुरू में, पानी तो डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें दूध डाल लें, जिसके साथ ये चीनी भी घुल जाएगी और बनाना भी थिक शेक के रूप में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा दूध और बढ़ाएं और आप ग्लास भर कर ले लें। इलायची भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, टेस्ट आपका है। देखिए ज़बरदस्त शेक बन के तैयार है। हेल्दी हेल्दी फ्रेश एयर शेक आप पीजिए और अपनी गर्मी दूर भगाइए, पेट भी भर जाएगा और गर्मी भी दूर भाग जाएगी। ऐसा फ्रेश शेक पी के कौन खुश नहीं होगा। आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और बच्चों को दें, बड़ों को दें, सभी ऐसा हेल्दी शेक पी कर खुश हो जाएंगे, पेट तो भरेगा ही साथ में फ्रेशनेस आएगी। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, तभी तो आप मेरी नई नई वीडियो देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।